जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, खर मास 14 मार्च 2024 दोपहर लगभग पौने 1 बजे से लेकर के और 13 अप्रैल तक पूरा एक माह खर मास माना जाएगा। इस पूरे एक माह में सूर्य नारायण भगवान यानी कि सूर्य देव 14 मार्च को कुंभ राशि से आगे बढ़ करके मीन राशि पर आ जाएंगे, जिसको मीन संक्रांति भी कहा जाता है। और जब वो एक महीना बाद 13 अप्रैल को जो है जब वो मेष राशि पर जाएंगे तब वो मेष संक्रांति कहलाई जाएगी, जो कि बहुत ही पुण्यतम मानी गई है। वर्ष में 2 संक्रांति, एक मेष संक्रांति और दूसरा मकर संक्रांति। मेष संक्रांति को ही बैसाखी आज पंजाब में नाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस दिन जो है सत्तू दान, उसके साथ में विविध पदार्थों का दान का बहुत बड़ा महत्व है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और पंजाब इत्यादि में बैसाखी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो सूर्य नारायण कुंभ राशि से आगे बढ़कर के मीन राशि पर 14 मार्च को दोपहर 1:15 बजे प्रवेश कर गए हैं। सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि पर आने को संक्रांति कहा जाता है। एक माह पूर्ण रूप से एक राशि पर निवास करते हैं सूर्य नारायण देव और 12 महीने में 12 राशियों पर जाते हैं। इनमें 2 विशेष होता है, एक जो है जब ये कह सकते हैं कि मीन राशि पर आते हैं और दूसरा जो है जब धनु राशि पर आते हैं। मीन राशि पर आने के पश्चात जब मेष राशि पर आएंगे तब जो है मेष संक्रांति, और उसके आगे जो है जब मकर राशि पर आते हैं तो मकर संक्रांति माना जाता है। ये जो 2 महीने इनका निवास होता है उसमें जो है विशेष रूप से पूजा पाठ तो करना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो विशेष अनुष्ठान इत्यादि कामना परक होते हैं या भावना परक होते हैं, जैसे कि विवाह करना, बड़े बड़े यज्ञ करना या गृह यज्ञ करना, एक नई भूमि का पूजन करना, कुछ विशेष रूप से जमीन जायदाद संबंधी पूर्णतः खरीदना, ये सब नहीं किया जाता है। विशेष संस्कार इसमें नहीं होते हैं, कुछ अनिवार्य संस्कार हैं वो किए जाते हैं। उनमें भी विशेष करके किसी बहन को अगर संतान हुआ हो तो उसको प्रथम बार अपने मायके जाना है, अथवा ससुराल से मायके आना है, अथवा विवाह के बाद प्रथम बार जो है ससुराल आना है, अथवा ससुराल से जो है मायके जाना है, तो ये होलिकाष्टक तो से तो विशेष रूप से मनाया ही जाता है। लेकिन उचित तो ये रहता है कि ये जब से जो है मीन राशि पे सूर्य आ जाए तब से जो है हमें इन सब चीजों के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। अत्यावश्यक बहुत कुछ हो तो आगे जब नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी तो माता रानी का एक विशेष दिन है, और तो बाप जी का भी है, श्री राम नवमी का भी रहता है नवरात्रि, तो इसमें मुहूर्त इत्यादि दिशाशूल इत्यादि दे करके एक बार इमरजेंसी में आ जा सकते हैं, लेकिन ऐसे करना उचित नहीं रहता है। लेकिन जो रेगुलर आपका पूजा पाठ है, जो आपका व्रत चल रहा है, चाहे 16 सोमवार का व्रत है अथवा पयोव्रत अभी तो प्रारंभ हुआ है, अथवा अन्य प्रकार के जो अनुष्ठान पूरे वर्ष पर्यंत किया जाता है, अथवा 1 महीने किया जाता है, अथवा प्रति सप्ताह गुरुवार का व्रत है, जो भी व्रत नियम है उसको और भी उत्साह के साथ करना चाहिए। इसमें विशेष लाभ होता है। ये पूरा माह संभवतः इसलिए रिजर्व रहता है कि आप अन्य कार्यों से अलग हट करके आप भगवान के जो है चरणों में अपना मन लगा करके लोक और परलोक दोनों बनाएं। इसी में आगे चल करके नवरात्रि हम लोगों को प्राप्त होगी। ये नवरात्रि दोनों रूप में जो है माता रानी के रूप में भी है जो उनके भक्त हैं, और जो राम भक्त हैं वो श्री राम जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो मेरे भाई बहन, खरमास से डरने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। हाँ, जैसे कोई गाड़ी आपको लेना है अथवा घर लेना है उसका टोकन इत्यादि देना है तो बिल्कुल टोकन इत्यादि दे सकते हैं, उसको देख सकते हैं, अथवा विवाह संबंधित भी जो है देखने की बात है, बस उसको कुछ शगुन ना दें वैसा, जैसा कि सुनिश्चित करना नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल मिलना, कुंडली मिलाना, एक दूसरे को देखना, समझना, जानना, ये सब बिल्कुल कर सकते हैं। ये विवाह हमने निश्चित कर दिया है, निश्चित हो गया, अथवा उसके निमित्त 11 रुपया अथवा एक नारियल अथवा फूल अथवा कुछ भी उपहार देना, ऐसा कुछ इसमें ना किया जाए तो उत्तम है। अत्यावश्यकता में
फिर नवरात्रि में जो है कर सकते हैं, हालांकि नवरात्रि के 5वें दिन ही तो जो है ये जय जय श्याराम संपन्न हो जाएगा इस बार जो है ये हर मास। और कुछ मन में दुविधा हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। इस बीच काफी व्यस्तता रही, वीडियो अर्पित नहीं कर पा रहा हूँ लगातार, उसके लिए मन में बड़ी खेद है। आगे सेवा करने का सुचारू रूप से प्रयत्न करूंगा। जय श्याराम।